सो आज हम देखेंगे कि कैसे हम फोक्सवैगन वेंटो पोलो और वेंटो रैपिड में स्कोडा रैपिड में फ्रंट शॉक करके माउंट चेंज करेंगे, क्योंकि इन गाड़ियों में क्या होता है, लोग सस्पेंशन के कंपोनेंट्स बदलते चले जाते हैं आवाज़ आने पर फिर भी उनकी आवाज़ बंद नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये माउंट से गड़बड़ में होते हैं और इनके तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। तो दिखाते हैं आपको ये प्रोसेस कैसे होगा। मैंने आज दो जैक सेटअप करे हैं, क्योंकि शायद शॉकर उतारते हो गाड़ी थोड़ी हिलेगी ज़्यादा, तो इसलिए जस्ट फॉर सेफ्टी। अगर आपके पास जैक स्टैंड है तो और भी बढ़िया है। अब शॉकर माउंट्स मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, नहीं तो इस पोजीशन में लॉकडाउन में तो मिलना मुश्किल था। और दूसरा, इसके साथ हमारा एक काम हो रहा है कि आपको अगर अपनी गाड़ी का शॉकर चेंज करना है तो वो भी सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 95% ऑफ द प्रोसेस तक तो वैसे ही जाएंगे, तो ये प्रोसेस सेम रहेगा। बाकी पहले व्हील उतारते हैं, फिर आपको आगे का दिखाता हूँ कि हमें बोल्ट्स कौन कौन से चाहिए। सो जैसे मैंने टायर उतार दिया है, फर्स्ट थिंग वी नीड टू इंस्पेक्ट कि हमें एक्चुअली में इससे खोलना क्या क्या पड़ेगा। हमें खोलना पड़ेगा एक आपकी जो स्वे बार का लिंकेज है यहाँ से शॉकर उतारने के लिए। दूसरा, हमें ये क्लिप खींच के बाहर निकालना पड़ेगा इस पाइप को अलग करने के लिए। ABS की इनपुट लाइन को होल्डर से बाहर निकालना पड़ेगा, नॉट अ बिग थिंग, ABS सुन के डरे ना। उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऊपर से हमें जो इसका माउंट है वो खोलना है, एंड एक M12 बोल्ट है, मल्टी स्प्लाइन 12 नंबर, उसको खोलना है। और इस तरफ से एक इसका एक नट है, इसको खोलना है। मतलब इसको तो हमें रोक के रखना है, या फिर हम इस साइड से खोलना चाहें, इस साइड से खोलना चाहें, आपके पास चुन सी बिट हो, बेसिकली लूज़ करने की बात होती है, जैसे भी हो जाए। और टॉप साइड पे एक 21 मिलीमीटर का बोल्ट है, उसे लूज़ करना है। तो वो कैप की वजह से हमारा पूरा शॉकर बाहर आ जाएगा। तो मैं साथ साथ चलते हुए आपको दिखाऊँगा, बट फर्स्ट थिंग इसकी हमें जितनी मिट्टी है जो लूज़ है इसे उतार देना है, ताकि हमारे हाथ कम से कम गंदे हों। अभी सबसे पहले हमें इन क्लिप्स को अलग करना है। तो हमें इसके लिए करना क्या है, हमें एक स्क्रू ड्राइवर किसी भी साइज़ का लेना है और उसकी हेल्प से इसे बाहर की तरफ पुश करना है। द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि इट इज़ स्प्रिंग लोडेड, काइंड ऑफ स्प्रिंग लोडेड, तो ये जैसे निकलेगा ये उड़ता हुआ जाएगा इधर उधर। तो इसके आगे हाथ रख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसे खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है कि हमें इस वाली लाइन को खींच के थोड़ा सा पीछे पुल करना है, एंड इसका ऐसे ऐसे स्लाइड कर लेना है और ये बाहर आ जाएगी। हमें इसे भी बाहर निकालना है, जहाँ तक है कि हमें इसे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आगे स्लाइड और बाहर। तो हमारी जो ब्रेक की मेन लाइन है वो तो बाहर आ गई, और हमारी जो ABS की लाइन है वो ऐसे ही बाहर आ जाएगी सिंपली। बट कीप दिस सेफ फ्रॉम शॉकर, जैसे ही आप शॉकर खोलेंगे तो लूज़ हो जाएगा सारा कुछ। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप ABS की लाइन या ब्रेक लाइन को डैमेज ना कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे खोलना है, सॉरी स्वे बार लिंक को खोलना है। एंड उसके लिए हमें चाहिए 17 मिलीमीटर्स। अगर घूमेगा तो हमें एक H5 बिट चाहिए होगी बीच में, आपकी आई गेस एलन की होगी, मेरे को मिलीमीटर का आइडिया नहीं है। तो मिलीमीटर वो उसको एलिंकी को बीच में से रोक के और इसे खोल देंगे। दीज आर थ्रेड लॉक्ड बोल्ट्स, सो थोड़ा से टाइट ज़रूर खोलेंगे, वाइब्रेशन से लूज़ होने के लिए होता है, ताकि ना हो जाए वाइब्रेशन से लूज़, इसलिए थ्रेड लॉक्ड होते हैं वाले बोल्ट्स। तो इसको खोलते हैं अलग करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ। जब बारी जंपिंग रॉड के इस वाले बोल्ट को खोलने की आए, तो बेटर रहेगा कि आप सारा काम स्टार्ट करने से पहले स्टेयरिंग को राइट टर्न करें और इसको लूज़ करके निकाल दें बाहर, क्योंकि इस टाइम पे इस पर बहुत टेंशन थी, क्योंकि हमने जैक लगा रखा है, एक टायर नीचे और एक हवा पे है, तो दैट मीन्स कि ये टाइट होगा बहुत ज़्यादा। इसको ईजिली खोलने के लिए या तो आपके दोनों टायर ग्राउंड पर होने चाहिए, या तो दोनों टायर हवा में होने चाहिए। तो आपको जैसे फेवरेबल लगे, आपके पास अगर जैक स्टैंड हो तो आप जैक स्टैंड से भी कर सकते हैं ये काम। मेरे पास जैक स्टैंड नहीं था, तो मेरे को फिर नीचे उतार के दोबारा टायर लगा के ये सारा काम करना पड़ा दोबारा। तो इसलिए इसे पहले खोल लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें खोल दी हैं, तो अब हमारा काम है शॉकर का मेन बोल्ट खोलना, विच इज़ दिस। इट इज़ अ M12 बिट
मल्टी स्प्लाइन, तो इसे लूज़ करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एन अपडेट इन बिटवीन कि दिस इज़ नॉट M12 दिस बोल्ट मल्टी स्प्लाइन। मेरे पास सबसे बड़ी M12 है एंड लुक एट द डिफरेंस। ये इसमें नहीं लगती है। सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने इस तरफ से तो इसे अप्रोच किया ही नहीं। इस साइड पर हमारे पास एक 19mm का हेक्स बोल्ट था, तो मैंने इसे वहाँ से लूज़ करा और उसके बाद खोल दिया। तो हमारा काम है इसको बाहर निकालना, मतलब हाँ, हम इसे बाहर निकाल लेंगे पूरा। बोर्ड को पूरा बाहर निकालने के बाद हमें थोड़ा सा ध्यान रख के इस एरिया पे टैप करना है, ताकि हम जो बॉयल जॉइंट है उस पर सारा वेट ले जाएं और शॉकर को इस जॉइंट से लूज़ कर दें, ताकि हमारा शॉकर बाहर आ सके। उसके बाद लास्ट चीज़ होगी हमारे को शॉकर ऊपर से खोलना। तो अब हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पे हथौड़े मार मार के इसे नीचे लेके जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत नीचे तो ले गया हूँ इसे, क्योंकि मैंने इसमें भी थोड़ी देर पहले पेनिट्रेशन फ्लूइड डाल के छोड़ दिया था, तो थोड़ा काम आसान हो गया है। तो अब बचने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि नुकसान ना हो, तो हम ABS के सेंसर को उतार सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका एक क्लिप है, हमें इस टैब को प्रेस करके ABS सेंसर की वायर उतार लेंगे। तो थोड़ा सा हमारा काम ये है कि हम कुछ डैमेज करने से बच जाएंगे, क्योंकि नकल जैसे ही लूज़ होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम इस वायर को उतार ही लें। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो नकल से जो शॉकर है वो बाहर आ रहा है, और इसे करने का कोई और तरीका नहीं है। यू जस्ट हैव टू नॉक इट ऑफ विद अ हैमर, दैट्स द ओनली वे टू डू इट। सो विल कीप डूइंग इट टिल द टाइम इट्स आउट। एक्चुअली मेरी रियल प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा बड़े वाला हैमर मुझे मिल नहीं रहा है, तो मेरे पास ये छोटा हैमर ही है, मेरे को इसी से करना पड़ रहा है, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर आपके पास बड़ा हैमर है तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो है कि हमें जो टॉप माउंट है उसे खोलना है। ग्रिल उतार ली, ग्रिल के अंदर से कैप उतार ली बिल्कुल उतार ली। उसके बाद हमें ये 21mm का एक ये बोल्ट है, इसे खोलना है। एंड मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करी हुई हैं। ये अगर किसी को नहीं पता ये एक्चुअली में है क्या, तो मैं टॉप राइट कॉर्नर में एक वीडियो लिंक करूँगा, उसमें देख लीजिए क्या ये एक्चुअली में है क्या। थोड़ी ड्राइविंग एनहांसमेंट के लिए करी थी, एंड यस इट वर्क्स। जैसे हमने सॉकेट लगा लिया 21, अब अगर मैं यूज़ करूँगा उसके साथ में एक स्पैनर, क्योंकि उसके ऊपर एक जगह बनी हुई है तो फ़ायदा है, जस्ट इन केस अगर बीच वाला बोल्ट भी साथ में घूमता है तो आई हैव अ प्लेस जहाँ से मैं टंकी डाल के उसे रोक सकता हूँ। दिस इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ सॉकेट। नहीं तो अगर आपके पास डीप वेल क्लोज्ड एंड स्पैनर हो तो वो भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब हमने जो शॉकर का टॉप माउंट है उसे लूज़ कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने अभी हाफ थ्रेड के आसपास बोल्ट छोड़ा हुआ है, ताकि जैसे ही हमारा शॉकर लूज़ हो वो एकदम से नीचे ना गिर जाए। तो बस ये उसको रोकने के लिए है, और उसके बाद हमारा शॉकर बाहर आ जाएगा। अपडेट द रियल थिंग इज़ कि हमारा जो शॉक है वो इससे नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा एक्सेल है अब वो रोक रहा है पूरे नकल को नीचे जाने से, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। सो अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है, या तो हम एक्सेल खोलें, नकल खोलें और पूरा हब बाहर उतारें, उसके बाद शॉकर उतारें, जो काम लंबा हो जाएगा, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेसर्स पड़े हैं, हम स्प्रिंग कंप्रेसर को गाड़ी पे शॉकर के लगे लगे यहीं पे लगाते हैं, एंड उसके बाद शॉकर को बाहर निकालने की ट्राई करते हैं। आई गेस जो नीचे से जो नकल था वो सारा फ्री हो चुका है, क्योंकि बहुत ईजिली मूव कर रहा है। अब हमें सिर्फ स्प्रिंग कंप्रेसर लगाने हैं, तो मैं स्प्रिंग कंप्रेसर आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में होते कैसे हैं। दीज आर स्प्रिंग कंप्रेसर्स, ये वही काम करते हैं जो नाम बता रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। तो एक ही शॉकर के दोनों साइड पे दोनों लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ फ़ायदा होता है या फिर नहीं। सो स्प्रिंग कंप्रेसर्स लगाने के बाद
वी वर फाइनली एबल टू रिमूव द शॉक फ्रॉम द नकल। अब हमारे पास लास्ट काम ये है, इन दोनों वायर्स को बचाते हुए हमें ईजीली ऊपर वाले बोल्ट को जो हमने हल्का सा छोड़ा हुआ था उसे खोलना है और शॉकर को पकड़ लेना है। नीचे मत गिरने देना, उसके बाद दिखाते हैं कैसे टॉप माउंट सेंड होंगे। सो नाउ वी कैन सी द शॉकर इज़ फाइनली आउट एंड अब हमें करना है इसका ये वाला पीस चेंज, टॉप माउंट। तो हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, हम इसे लगाएंगे एंड इट्स अ फेयरली इजी प्रोसेस। हमें इसे ये बोल्ट खोल कर इसे लगा देना है। मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। सो फाइनली आफ्टर 15-16 डेज हमारी ये वीडियो कम्प्लीट होने जा रही है। आई एम फाइनली एबल टू ओपन द सेंटर हब बोल्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर टू चेंज द शॉकर माउंट। वी कैन सी इट्स लूज कि हम इसे हाथ से घुमा सकते हैं। एक्चुअली व्हाट आई डिड इज़ कि मेरी हेक्स किट सारी गुम हो गई थी, तो मेरे पास 8mm की 3-4 एलंकीज रह गई हैं अलग अलग, और उसके बाद मेरे पास 6 की 8-10 थी और ऐसी चीज़ें, एक दो और एलंकीज थी बट मुझे चाहिए थी 7 की, और मेरे पास जो 7 की थी वो छोटी थी तो वो लंबी नहीं थी। सो व्हाट आई फाइनली डिड इज़ अरेंज द ग्राइंडर ब्लेड, तो उसके ऊपर से मैंने ग्राइंडर ब्लेड से मैंने इसे रब कर कर के, स्क्रब कर कर के 7mm के अराउंड करा एंड देन वी आर फाइनली एबल टू होल्ड दिस बोल्ट। हमें एक्चुअली में इसके लिए ऐसी चाहिए होती, मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर से बोल्ट हमारा रुक जाएगा और उसके बाद हमें बीच में से उसके एलंकी डाल के उसे हेक्स की एलंकी जो आप बोलना चाहें ऐसे करके हमारा जो मेन बोल्ट है वो खुल जाएगा एंड वी फाइनली हैव अ पार्ट। सॉरी, तो अब हमें इसे बस इसको खोलना है, इसको प्लेस करना है एंड इसी के अंदर थ्रस्ट बेयरिंग भी होगा, तो मैं एक बार खोल लेता हूँ फिर आपको सारी चीज़ें एक साथ दिखाता हूँ। सो बोल्ट फाइनली लूज, माउंट उतार दिया है एंड दिस इज़ आर थ्रस्ट बेयरिंग जो बिल्कुल नीचे बैठता है माउंट के। इसे हल्का सा रोटेट करके देखते हैं, इट्स परफेक्ट, तो हमें इसे चेंज करने की नीड नहीं है, हम बस न्यू माउंट डालेंगे एंड हमारा काम ख़त्म। एक बार बस इसे यूज़ करने से पहले थ्रस्ट बेयरिंग का सेट देखते हैं, इट्स एग्जैक्ट फिट बिकॉज इट्स अ OEM पार्ट। मैं OEM पार्ट नंबर लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि ईज रहे। उसके नीचे आती है हमारी शॉकर प्लेट, लेकिन अभी बिल्कुल सेट हो रखी है, शॉकर के साथ फंसी हुई है एंड मैं नहीं चाहता इसे निकालूं, तो बस मैं इसे वापस कस रहा हूं, उसके बाद हमारा काम ख़त्म। एक बार शॉकर भी चेक कर लेंगे, अब निकला ही है तो स्प्रिंग कंप्रेस कर रखा है मैंने, तो एक बार शॉकर की कंडीशन कैसे चेक करते हैं मैं वो भी दिखाता हूं आपको। तो हमने सारा कुछ खोल लिया है। बी केयरफुल विद दिस स्प्रिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, सो इससे दूर, इसे जितना कम हिला सकें उतना कम एंड दिस इज़ आर बम्प स्टॉप की कंडीशन अभी तक तो सही लग रही है। ऊपर से नहीं, दीज आर कास्टिंग मार्क्स, मुझे लगा क्रैक है बट दीज आर नॉट क्रैक्स, दीज आर कास्टिंग मार्क्स एंड पार्ट नंबर ये रहा 4127 41203 F, सो दिस इज़ द पार्ट नंबर। एक बार मैं चेक करता हूँ शॉकर्स को, ओ दे आर गोइंग बैड। हम इसे अगर प्रेस करते हैं तो इसे वापस आना चाहिए था, बट वन थिंग लुक, ये अपने आप जा रहा है नीचे, जो आइडियली इसे करना नहीं चाहिए। सो नाउ मुझे फील हो रहा है मैंने क्यों खोल लिया, आइडियली मेरे पास पार्ट होना चाहिए था रेडी,
so this is also going bad, so I guess we know it's gonna be a new video in the near future. But मैं शायद नई वीडियो नहीं ना भी डालूँ इस पर, क्योंकि हमें इसे चेंज करने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. द प्रोसेस इज़ गोना बी सेम. सो बस कम्युनिटी पे अपडेट हो जाएगा एक बार, एंड दिस इज़ हाउ वी विल चेंज द शॉकर, शॉकर स्प्रिंग्स, बम्प स्टॉप्स, थ्रस्ट बेयरिंग एंड शॉकर टॉप माउंट स्टोरेज, सारी चीज़ें एक साथ. सो अब हम इसे वापस लगाना है, एंड जैसे जैसे खोला है बिल्कुल सारा कुछ वापस वैसे ही लगाना है, बस इस वाले पीस को चेंज करके.